वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2014 में भी वही बात कह रहा है जो 2018 में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, यानी पूरे देश की तुलना में सबसे ज्यादा इसी राज्य में हुई हैं। 15 जून 2019 को तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राज्य को परामर्श तक भेजा गया, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में 96 राजनीतिक हत्याएं हुई थी जिन पर चिंता जाहिर की गई केंद्र सरकार के द्वारा। 2014 के लोकसभा चुनावों में देश भर के जब आंकड़े इकट्ठे किए गए तो उसमें पाया गया कि राजनीतिक हत्याओं में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में हुई 44%। वहीं अगर घायल कार्यकर्ताओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो 64% कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में ही घायल हुए। यही नहीं बल्कि हमने लगातार देखा कि पंचायत चुनावों पर भी असर पड़ा है, यानी सत्ताधारी दल के द्वारा एक डर का माहौल बनाया जाता है। 2003 के अगर आप आंकड़े देखें तो 11% पंचायत सीटें हैं जहां निर्विरोध सत्ताधारी दल का ही उम्मीदवार चुना गया, क्योंकि वहां चुनाव ही नहीं हुआ। 2018 में जरा देखिए यह आंकड़ा बढ़कर 34% तक पहुंच गया, यानी 34% पंचायत की सीटें जहां पर चुनाव नहीं हुआ क्योंकि निर्विरोध ही सत्ताधारी दल का उम्मीदवार जीत गया। वहीं अगर हम हालिया घटनाओं की भी बात करें तो राजनीतिक हत्याएं जो हुई हैं, तो वही 4 अक्टूबर 2020 जो नेता भाजपा के नेता मनीष शुक्ला जिनकी हत्या हुई और जिनको लेकर बीजेपी भी अब प्रदर्शन कर रही है, वहीं उससे पहले के अगर हम आंकड़े आपको दिखाते जाएं तो 19 सितंबर 2020 को भी एक कार्यकर्ता की मौत हुई, 6 सितंबर 2020 को भी एक कार्यकर्ता रॉबिन पाल की हत्या हुई, 15 अगस्त 2020 सुदर्शन प्रमाणिक की हत्या, 16 जुलाई बापी घोष की हत्या, 13 जुलाई भाजपा विधायक देवेंद्रनाथ की हत्या, 5 जुलाई भाजपा कार्यकर्ता कृष्ण। चलिए तो पहले हम लोग एक तरह से 10 बड़ी बातें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि 4% के ऊपर रेपो रेट को बरकरार रखा गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाती है, यानी कि जिस दर पर बैंक कर्ज लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उसको 4% पर स्थिर रखा गया है। दूसरी बड़ी बात जो यह है कि जो रिवर्स रेपो दर है उसको 3.35% पर स्थिर रखा गया, यानी कि बैंक पहले क्या करते थे आरबीआई के पास पैसा जमा करा करके इंटरेस्ट लेते रहते थे, लेकिन अब इंटरेस्ट इतना कम कर दिया गया कि बैंक प्राइमरीली लेंड करने के लिए अब आगे आएंगे। तीसरी बड़ी बात यह है 2020 में अब तक 115 बेसिस अंकों की कटौती की गई है आरबीआई के द्वारा, यानी कि मकसद साफ है कि अब जो लेंडिंग है वो और भी सस्ती हो गई है। अभी तक अगर देखा जाए तो जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है वो आपको 7% के आसपास मिल जाएगा। तो एक तरह से चौथी बड़ी बात समझने की कोशिश करते हैं जो कि सबसे बड़ी बात निकल करके आती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। वही मौजूदा वित्त वर्ष में रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन एक तरह से वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, फूड प्रोडक्शन रिकॉर्ड हो रहा है और साथ ही साथ जो प्रवासी मजदूर हैं एक बार फिर से अब शहरों की तरफ वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक तरह से इंडिकेट कर रहा है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात हो या फिर जो इंडस्ट्रीज है वापस शुरू हो रही है, जिसकी वजह से जो मजदूर हैं जो लेबरर्स हैं वो वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं शहरों की तरफ। पांचवें बड़े पॉइंट की बात करते हैं कि ऑनलाइन कॉमर्स में अब तेजी देखने को मिल रही है, साथ ही साथ लोग अब ऑफिस में लौट रहे हैं, यानी कि जो फिजिकल मूवमेंट है वो हुआ है, लोग अब अपने ऑफिस फिजिकली जाना शुरू कर रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कोविड क्राइसिस ग्रेजुअली खत्म होता दिखाई दे रहा है। वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही तक महंगाई में भी नरमी आने की उम्मीद है। तो ये इन्फ्लेशन जो कि 4% का टारगेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि 4% प्लस माइनस 2% वो फोकस पर रहता हुआ। छठी बड़ी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थव्यवस्था में तेजी की उम्मीद बनी हुई है, सभी सेक्टर में एक तरह से हालात और बेहतरी के साथ आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि कई सारे सेक्टर्स जैसे सर्विसेज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इसमें सुधार के संकेत साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। सातवीं बड़ी बात के रबी की फसल है, अगर उसकी बात की जाए तो उसका आउटलुक काफी बेहतर दिख रहा है और अब फोकस एक तरह से आर्थिक सुधारों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि अब फूड प्रोडक्शन की बात कर लीजिए, बुआई की बात कर लीजिए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने जीडीपी को काफी सहारा दिया है और वही इंडिकेट यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आठवीं बड़ी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई ने ऐलान किया है कि दिसंबर 2020 से जो आरटीजीएस ट्रांजैक्शन है वो अब 24 घंटे में कभी भी कर सकेंगे। अभी दरअसल हो ही रहा था कि सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक आरटीजीएस ट्रांजैक्शन होता था, लेकिन जो बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स है बिजनेसमैन उनको फायदा होता हुआ दिखाई देगा, वो कभी भी बड़े ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे आरटीजीएस के माध्यम से। नौवीं बड़ी बात, वित्त वर्ष 2021 तक जीडीपी में 9.5% की मंदी देखी जा सकेगी, कॉन्ट्रैक्शन जो है 9.5% का होगा। चौथी तिमाही में एक तरह से पॉजिटिव आउटलुक यानी कि पॉजिटिव जीडीपी दर देखने को मिल सकती है, साथ ही सितंबर महीने में जो पीएमआई है बढ़कर के 56.9 पर आ गई है। 2012 के बाद से पीएमआई का जो आंकड़ा है अभी तक सबसे बेहतरीन रहा है, यानी कि पीएमआई 50 के ऊपर अगर कुछ भी आंकड़ा होता है वो इंडस्ट्रीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। तो 2012 के बाद से सबसे ज्यादा 56.9 के आसपास पीएमआई का